हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने एक प्रेस नोटिस जारी किया है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 HTET के रिगार्डिंग ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। इस नोटिस में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। उसने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित होने से पूर्व परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। मतलब आपको बायोमेट्रिक करवानी है। अब ये सब भी कि हरियाणा के 22 जिलों के अंदर ये चीज़ करवानी है और इसकी जो तिथि है वो है 18 जनवरी 2021 से 21 जनवरी 2021 तक। इसमें स्थापित केंद्र स्थापित किए गए हैं बच्चों सभी के सभी 22 जिलों में। तो उसमें आपको क्या क्या कंडीशन है, उसने बोला कि अपना एक पहचान पत्र और मूल प्रवेश पत्र लेके आपको जाना है। मतलब एक आइडेंटिटी प्रूफ और आपका जो रोल नंबर था स्लिप जिसको हम एडमिट कार्ड बोलते हैं वो लेके आना है। और आपकी वेबसाइट पर इसकी सूची हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, www.bsch.org.in पर। तो यहाँ पे इस सूची में दिए गए अनुक्रमांक वाले परीक्षार्थियों द्वारा यह प्रक्रिया पूरी की जानी है। मतलब इसमें सूची में जो भी आपको रोल नंबर दिए गए हैं, जिस भी विद्यार्थी के हैं, उनको यह प्रोसेस करना है। एक हिसाब से बच्चों ये HTET 2020 का रिजल्ट है आपका। तो इसमें क्या करना है कि इन परीक्षार्थियों को इनके पंजीकृत मोबाइल फोन पर भी यह संदेश भेजे गए हैं। तो इसमें आपको मैसेज भी आया होगा बच्चों। फिर भी यदि आपके पास मैसेज नहीं आया तो आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं लिस्ट, जिसमें आपका नाम है तो आपको अपना वेरिफिकेशन करवानी है। तो उसमें एक ये चीज़ और कहा गया है, जो परीक्षार्थी इन तिथियों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये अनिवार्य है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, ये एक हिसाब से HTET 2020 का रिजल्ट है आपके सामने, जो आपको वेरिफिकेशन करवाने हैं बायोमेट्रिक 18 जनवरी से 21 जनवरी 2021 तक करवानी है। तो यहाँ पे इन्होंने सूची दी गई है हरियाणा आई बायोमेट्रिक के लिए। जैसे अंबाला में जो केंद्र का नाम भवन स्कूल है उस स्कूल का नाम दिया गया है, भिवानी में सभी के सभी 22 जिलों में यह बोला गया है बच्चों। तो आप एक बार अपनी वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। थैंक यू।